सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और ये वीडियो हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स के लिए है। हमारा 10 के कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको थैंक यू कहना ज़रूरी है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे पता है 10 के सब्सक्राइबर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मेरे पास कोई अपनी टीम नहीं है, मैं सारा चीज़ खुद से ही करता हूँ। पर्सनली मेरा इस वीडियो, इस चैनल को बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे पढ़ाना है, पर इनिशियली मुझे उतना ऑडियंस मिला नहीं। और अभी मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें डेफिनेटली जो आपको हेल्प कर सकें। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपसे भी कई सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली इस पूरे जर्नी में। सो डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे से कई सारी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं यूट्यूब कम्युनिटी में। मैं खुद अभी परस्यू कर रहा हूँ, मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ाई अभी चल रहा है, और उसके बीच में मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बना करके शेयर करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम में भी ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, और इसी के बीच में इसीलिए एक एक वीडियो के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। इस चैनल को बनाने का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना था, क्योंकि क्लास 12 तक मैंने कई सारे एग्जामिनेशन में अपीयर किया हुआ था, एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, इससे 2-3 फायदे हो जाते थे। एक साथ मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव हो जाता था, ऑडियंस के साथ किस तरीके से कैमरा को फेस करना है, यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, किस तरीके से वीडियो एडिटिंग करना है, थंबनेल किस तरीके से बनाना है, यूट्यूब पे किस तरीके से ग्रो किया जाता है, एल्गोरिथम कैसा वर्क करता है, इन सभी चीज़ों को मैंने धीरे धीरे सीखा था, समझा था। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से ऑडियंस जुड़ती गई, मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने लगा, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, एक साथ इतना सारा प्रेशर हो गया, तो हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड हो, आप लोगों को भी कंटेंट मिलता रहे। मेरा फ्यूचर प्लान भी इसी तरीके से है कि आपको मैं कंटेंट एजुकेशन के हिसाब से दूँ, पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी, बुक रिव्यू, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते थे, किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है उनके बारे में हम लोग फोकस करते थे। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा सकूँ, पढ़ाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए इनिशियली मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता था, और हर एक चीज़ मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरा वेबसाइट भी है, उसके बाद अनअकैडमी भी था, यूट्यूब चैनल भी था, इंस्टाग्राम पर भी मैंने शुरू कर दिया था, और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कॉलेज के साथ मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये जर्नी अभी तक चलती रही। आप लोगों का सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग आगे भी मूव कर सकें। और ये चैनल कम्प्लीटली एजुकेशनल है, मेरा ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहता है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के स्टूडेंट इस चीज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और मैं एक्सपैंड भी करना चाहता हूँ। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें हैं, और मैं उन सभी चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे मन में कई सारी चीज़ें आती हैं, इस वीडियो में आपको कुछ हिंट ज़रूर देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे मन में आता है कि मैं वेबसाइट एक ऐसा बनाऊँ, मेरा वेबसाइट अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर ऑडियंस जाते हैं, जैसे कि लिंक मैं आपको कई बार देता हूँ, कह देता हूँ कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके बाद फिर वहाँ पर अपडेट करना है, क्वेश्चन पेपर डालना है, और उसके बाद आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। वीडियो में लेट ना हो, आपका कोई भी लॉस ना हो, इसीलिए वीडियो सबसे पहले बन जाता है, उसके बाद लिंक मुझे डालना पड़ता है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है, और मुझे एप्लीकेशन भी बनाना है, वेबसाइट इस तरीके से बनाना है कि वहाँ पर हर एक चीज़, हर एक कंटेंट बच्चों को मिलता रहे, किताब मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, वीडियो सोल्यूशंस के लिंक भी वहाँ पर दिया रहे, ताकि आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आकर के वहाँ के वीडियो सोल्यूशन देख लो। और इन सभी चीज़ों को मुझे अकेला करना है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा जोक है। तो अकेले करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, और YouTube पे अर्निंग अगर आप सोचते हो कि काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, एक ऑप्टिमम लेवल का ही रहता है इनिशियल स्टेज में, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, मतलब सोच सकते हो। तो मैं अपना टीम भी नहीं अरेंज कर सकता, 2-3 बच्चों को रखूँ, यार टाइपिंग करो, क्वेश्चन पेपर बनाओ, वैसा भी नहीं हो सकता, सारा चीज़ें मुझे खुद से करनी है। वीडियो बनाना है, स्टूडियो बनाना है, अगर आप बैकएंड पे देखोगे कि इस तरीके से क्या सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप हंसने लगोगे, मतलब इस तरीके से रहता है ये सारा का सारा अरेंजमेंट सेटअप, ये सारा का सारा बेडशीट वगैरह जो कुछ में है मुझे खुद से बनाना है। तो बाल बनाओ, शर्ट बनाओ, और एक बार वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, अपलोड करो, यहाँ पर कम से कम मेरा एक दिन पूरा जाएगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरा काम वैसे ही काफ़ी स्लो है, मैं हर एक चीज़ परफेक्शन में ढूंढता हूँ, और उसके लिए काम होता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है मेरा काम, और इसी की वजह से मेरा हर एक वीडियो में अपलोड करने में कई सारे डिफिकल्टीज आते हैं। फिर मैं कई बार आलसी में टाल देता हूँ कि यार बस हो गया। कई बार मैं सोचता हूँ कि इस बार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद कोई और काम आ जाता है, इस तरीके से डिफिकल्टीज आती हैं। बट फिर भी हमने यहाँ तक अपना माइलस्टोन अचीव किया है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वेबसाइट पर भी है, यूट्यूब पर भी है, आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि रिप्लाई करूँ। ईमेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हर एक प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, लेकिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सॉरी कहना चाहूँगा जितने का भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्टिव रहता नहीं हूँ। जब कभी मुझे मौका मिलता है, मैं इन चीज़ों को रिप्लाई ज़रूर करना चाहता हूँ,
बट टाइम का इशू है, मैं फुल टाइम यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो होप यू अंडरस्टैंड, हम लोग इस जर्नी को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं, सी आपको, डैन बाय।